लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम वही रोटी सब्जी खा के थोड़े से बोर हो गए हैं। घर पे जो बेसिक चीज़ें अवेलेबल है उससे आज हम बनाएंगे पनीर चीज़ बर्स्ट फ्रैंकी। घर पे जो गेहूं के आटे से नॉर्मल चपाती या रोटी बनती है वही हम फ्रैंकी के लिए यूज़ करेंगे। अब चाहे तो मैदे की भी रोटी बना सकते हो, लेकिन गेहूं का एक हेल्दियर ऑप्शन है। इसका स्टफिंग बनाना काफ़ी ईजी है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टफिंग कैसे बनाए। सबसे पहले हमें 2 या 3 चम्मच बटर या फिर घी डाल के इसमें 2 से 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से भून लेना है। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड मैश्ड आलू। मैंने यहाँ पे 5 से 6 आलू लिए हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर। अब इसमें जो भी आपको सब्जी पसंद है वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न डाला है और थोड़ा सा मैश किया हुआ पनीर। पनीर भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ फ्रेश धनिया और थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। हमें स्टफिंग को ज़्यादा देर भी गर्म नहीं करना है, नहीं तो फिर ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। फ्रैंकी को एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाने के लिए अब हम कटे हुए प्याज में थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। एक छोटा कटा हुआ प्याज लिया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर डाला है, थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, एक छोटी कटी हुई हरी मिर्च, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, और फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए बनाते हैं पनीर चीज़ बर्स्ट फ्रैंकी। हमने जो स्टफिंग बनाया है उसे हम अच्छे से घी या फिर बटर में दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे और अब हम इसे साइड में रख लेंगे। और हम चपाती लेंगे, इसे एक साइड से भून लेंगे। जो भुनी हुई साइड है उसके ऊपर थोड़ा सा शेजवान चटनी डाला है मैंने, थोड़ा सा मेयोनीज डाला है और थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाला है। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम। और हमने जो प्याज का मसाले वाला मिक्सचर तैयार किया है वो डालेंगे। आप ऐसे ही प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन इससे और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हम चीज़ डालेंगे और फिर हमारा जो रोस्टेड आलू का स्टफिंग है वो डालकर हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और तब तक इसे गर्म करेंगे जब तक इसमें से थोड़ा सा मेल्टेड चीज़ बाहर आना स्टार्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल रेडी है हमारी पनीर चीज़ बर्स्ट फ्रैंकी। आपने देखा कितने आसानी से बन गई है ये। तो आपके लॉकडाउन के समय में जो स्ट्रीट फूड खाने के क्रेविंग्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आप घर पे कोई सब्जी बनाओ और वो बच जाए तो आप इससे भी ये फ्रैंकी बना सकते हैं। थोड़े से सॉसेस डाल के और ये जो प्याज का स्टफिंग बनाया वो डाल के आप इसको एक चटपटा स्वाद दे सकते हो। हमने नॉर्मल गेहूं का आटा जो चपाती के लिए यूज़ किया जाता है वही यूज़ किया है। तो आप ये जल्दी से बना भी सकते हो और ये हेल्दी भी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।